तीखा चटपटा टेस्टी मसालेदार चना बनाएंगे आज। चना बनाने की ये रेसिपी थोड़ी सी अलग होने वाली है, तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते। इसके लिए हमने लिया है यहाँ पे करीबन 200 ग्राम जितना चना। ये ब्राउन चना जो है वो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। चना को ओवरनाइट भिगा के रखना है। अगर आप ओवरनाइट ना भिगा सको तो इसे करीबन 5 से 7 घंटे तक इसे भिगा के रखो। भिगाने के बाद इसे 3 पानी से वॉश करना है और इसे चेक करने के लिए थोड़ा सा दबाओगे तो ये दाल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो समझ जाना कि चना अच्छा खासा भीग चुका है। अब यहाँ पे मैंने एक कुकर लिया है। कुकर में थोड़ा सा नीचे बेस में पानी डाल देंगे। पानी डाल के हम इसमें एक पतीला रखेंगे। वैसे आप चाहो तो चना को डायरेक्ट कुकर में डाल के आप बॉईल कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मुझे अपना टाइम बचाना था तो मैंने यहाँ पे चावल और चना को एक साथ बॉईल करना है। तो यहाँ पे मैंने एक पतीले में चना ऐड किया है। चना का 3 गुना पानी ऐड करके उसमें नमक ऐड करना है, फिर उसे ढक देना है और ऊपर एक दूसरा बाउल रख के हम इसमें वॉश किया हुआ चावल रखेंगे। चावल में भी 2.5 गुना इसमें पानी लेना है ताकि ये अच्छा खासा बॉईल हो जाए। अब कई लोग यहाँ पे सोचेंगे कि चने के साथ अगर चावल को बॉईल करोगे तो चावल ज़्यादा नरम नहीं हो जाएगा। यहाँ पे मैं चने को सिर्फ 5 ही सीटी लगाने वाली हूँ। 5 सीटी में ही अच्छा खासा बॉईल हो जाएगा तो चावल भी ज़्यादा नरम नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कुकर को ढक देंगे और फिर इसको 5 सीटी लगाएंगे। 5 सीटी लगाने के बाद चलो चेक करते हैं। तो चावल भी अच्छे खासे कुक हो चुके थे। जब आप कुकर में दो चीज़ें अलग अलग एक साथ बॉईल करते हो ना, तो कुकर को थोड़ा ध्यान से निकाला करो। फिर हम चेक करते हैं कि चना पका है या नहीं पका है। तो यहाँ पे चना बहुत ही अच्छा खासा पक चुका था। अब ये बॉयल्ड चने को कोई परात में या कोई पतीले में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर हम उसमें ऐड करेंगे छाछ और फिर उसमें ऐड करेंगे लहसुन की चटनी। लहसुन की चटनी की रेसिपी मैंने डाली हुई है। फिर ऐड करेंगे हल्दी और मिर्ची पाउडर। फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। लहसुन की चटनी थोड़ी सी गाढ़ी होती है तो उसे इसमें ध्यान रखें कि अच्छे से मिक्स हुआ है या नहीं हुआ है। अब जैसे ही आपको लगे कि ये अच्छा खासा मिक्स हो चुका है तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक आपको अपने स्वाद के अनुसार मिक्स करना है। अब यहाँ पे हम लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल और ये जो चना मसाला डाल के हमने तैयार किया था वो हम डायरेक्टली ऑयल में ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसे बीच बीच में स्टर करेंगे और जब तक ये ग्रेवी गाढ़ी नहीं हो जाती तब तक हम इसे गैस पे चलाते रहेंगे। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो यहाँ पे जो ग्रेवी है वो अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी थी, मतलब कि ऑलमोस्ट ना के बराबर हो चुकी थी। तो हमने इसको यहाँ पे बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसको आप राइस के साथ भी खा सकते हो, पराठा के साथ भी खा सकते हो और रोटी के साथ भी खा सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और ऐसी नई नई रेसिपीज़ चेक करने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। बेल आइकन दबाओगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय।